सहाफत के मैदान में सच्चा इंसान अरशद शरीफ ने जान देकर सहाफत को अमर कर दिया। कौमी असम्बली में अरशद शरीफ के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। करारदाद वफाकी वजीर शाजिया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के वहशियाना कत्ल की मजम्मत करता है। Strongly condemns the brutal killing of a senior journalist anchor person Arshad Sharif in Kenya, demands that a fair and transparent investigation be conducted to ascertain facts behind this brutal killing. सहाफत एक मुश्किल काम हो गया है बहुत सारे ममालिक में, हमारे में भी एक रविश रही है कि तशद्दुद और धौंस धमकी के हवाले से बहुत सारी बातें मनवाने की कोशिश की जाती हैं। तो ये जितना भी हम किसी भी सहाफ़ी पर तशद्दुद करें या उनको इस तरह से लें कि वो अपनी बात ना कर सकें खुली फ़जा में, एक आपके सामने लम्हा फिक्रिया ही खड़ा होगा और एक मसला ही खड़ा होगा। अरशद साहब शहीद कर दिए गए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जनाब स्पीकर। उनके बच्चे हैं, अहलिया है, वालिदैन हैं, दोस्त अहबाब हैं, पूरे पाकिस्तान में एक सदमे की लहर है जनाब स्पीकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का हर शख्स अरशद शरीफ की इस नागानी मौत पर, शहादत पर अफसुर्दा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।